जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दीवानी न्यायालय परिसर में रविवार को जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में आर्बिट्रेशन के माध्यम से निष्पादन हो सकने वाले वादों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर विशेष लोक अदालत का शुभारम्भ किया, जिसमें जनपद न्यायाधीश द्वारा कुल 15 वादों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा कमर्शियल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी साकेत बिहारी दीपक द्वारा 29 वादों का निस्तारण किया गया तथा समस्त अपर जनपद न्यायाधीश द्वारा 94 वादों का निस्तारण किया गया। आपको बता दें कि विशेष लोक अदालत पर कुल 574 वाद आए थे, जिसमें 138 वादों का निस्तारण किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने कहा, सबका संकल्प चाहिए, सबका साथ चाहिए, ऐसे नहीं होता। इस विशेष लोक अदालत में सारे जिला जज स्तर के जो अधिकारी हैं, हायर जुडिशियर सर्विसेज के, उन्हीं के यहाँ जो मामले लंबित हैं, विचाराधीन हैं, वो निष्पादन वाद आर्बिट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत, तो जैसे आपने गाड़ी खरीदा, गाड़ी पे लोन है और लोन का भुगतान से संबंधित मामले हैं, तो पक्षकार आएंगे पैसे जमा करके और निष्पादन मामलों को समाप्त करेंगे।